गुड मॉर्निंग गाइस, अभी रात के 3:30 बज रहे हैं और हम लोग को चलना है लगभग 250 किलोमीटर। तो अभी क्या है कि 7-8 बजे के बाद काफ़ी ज़्यादा धूप हो जाएगी, तो मैंने आज डिसाइड किया कि थोड़ा जल्दी निकलेंगे तो सफ़र थोड़ा आसानी से हो जाएगी। अभी ये देख लीजिए, पीछे एकदम पूरा रास्ता एकदम खाली है, समझ लीजिए। एज यूजली जो ट्रक वाले मिलते हैं रात में, वही मिल रहे हैं बेसिकली। अभी देखते हैं कि कितने देर के बाद जो है लोगों का सड़कों पर आवागमन होता है। फिलहाल अभी हमारी यात्रा यहीं से स्टार्ट हो रही है और यहाँ से हम चलेंगे 250 किलोमीटर की पूरी यात्रा पे। तो अभी हम अपनी जर्नी का 40 किलोमीटर कंप्लीट कर चुके हैं और मुझे जहाँ अगला जो मेरा डेस्टिनेशन है, जहाँ पे मुझे थोड़ा आराम करना है, यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर होगा। अभी ये पीछे जो आपने देखा, ये पहला टोल हमने क्रॉस किया है, अभी आगे एक टोल शायद और है। तो अभी तो मेरी औसतन स्पीड जो है यही कोई 50 से लेके 52 के बीच में ही है, हालांकि मैं ज़्यादा तेज़ चलता नहीं, मैक्सिमम कह लीजिए 60, इससे ज़्यादा तो नहीं ही चलता मैं। तो धीरे धीरे ही चल रहा हूँ, अभी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं दिख रही हैं सड़क पे। हाँ, कुछ लोगों का जो आवागमन है थोड़ा थोड़ा बढ़ा है। लगभग 5 बजे के बाद सड़क पर काफ़ी गाड़ियाँ आ जाएंगी और 6 बजे तो एज यूजल जो नॉर्मल होता है आ ही जाएगा। कुछ इस तरीके से खाली खाली सड़क है। अभी समय कोई यही 5:30 बज रहा है और लगभग हमने जो है 80 किलोमीटर अपने जर्नी का कंप्लीट भी कर लिया है। उजाला धीरे धीरे हो रहा है अभी उजाला, और देखते हैं कि अभी कब तक पूरी तरीके से उजाला हो जाता है सड़क पे। फ़िलहाल मुझे लगता है कि अगले जो है 20-25 मिनट में उजाला भी हो जाएगा। अभी तो कुछ मैं आपको दिखा नहीं सकता, पर हाँ उजाला धीरे धीरे हो रहा है तो मैं आपको अभी सब कुछ दिखाने वाला हूँ। और बहुत दिनों बाद आज सनराइज़ भी देखने को मिलेगा, तो मैं स्वयं दिखाऊंगा कि किस तरीके सनराइज़ हो रहा है। तो चलते हैं आगे की यात्रा पे। वैसे मैंने राइड तो अच्छा ही किया है, लगभग 60 से अब चल भी रहा हूँ। कुछ ट्रक को छोड़कर अभी तक ज़्यादा गाड़ी ओवरटेक तो नहीं कर रही है, पर हाँ अभी सुबह है तो नज़ारे देखने और इस समय राइड का तो पूरा मज़ा आ रहा है। सनराइज अब अच्छा खासा हो चुका है और उजाला भी अच्छा खासा हो चुका है, और हमने लगभग अब तक 130 किलोमीटर अपनी जर्नी तय कर ली है। मैं सोच रहा हूँ कि अब यहाँ से जर्नी को नॉन स्टॉप कंप्लीट करूँ। वैसे इतना मुश्किल है भी नहीं, क्योंकि यहाँ से बमुश्किल यही कोई 100 किलोमीटर बचा होगा, जिसमें मुझे लगने वाला है 2 से 2.5 घंटे। तो इतना मुश्किल भी नहीं है। अभी हमने लगभग 150 किलोमीटर के करीब जो है जर्नी कंप्लीट कर लिया है। अभी तक के जर्नी में बहुत मज़ा आया है, और लगभग जो जितनी भी जर्नी रही है 150 किलोमीटर तक की, जो मैंने अर्ली मॉर्निंग में की थी, उसमें गाड़ी चलाने में बहुत ही मज़ा आया। इस रूट पे जो वाराणसी एक्सप्रेस हाईवे कह लें, नेशनल हाईवे है, तो इस पे मैंने यही कोई 2-3 दफ़ा 250 किलोमीटर की यात्रा की है। तो थोड़ा बहुत मेरे पास एक्सपीरियंस भी इस रूट का है, तो मुझे तो हर बार बहुत ही मज़ा आता है। कुछ इस तरीके से रूट है, काफ़ी बढ़िया रूट है, सड़क एकदम ज़बरदस्त है, और ये देखिए कुछ ऐसे आगे का नज़ारा है, बहुत ही मज़ेदार। हाईवे आगे की तरफ कुछ इस प्रकार से है, और ये डिवाइडर में बहुत ही अच्छे अच्छे पौधे लगे हुए हैं, और ये 4-5 सालों में बहुत ही लाजवाब हाईवे हो जाएगा। चूँकि अब धूप हो रही है तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने स्पीड को थोड़ा बढ़ा दूँ, लगभग यही कोई 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर मैं चलूँ तो सही समय पर पहुँच जाऊँगा, और थोड़ा धूप से भी मुझे राहत मिल सकती है, तो ये स्पीड सही रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से इस 250 किलोमीटर की जर्नी हुई कंप्लीट। वैसे तो एक छोटी सी राइड थी, पर इसके बाद बहुत ही तबाही ब्लॉक्स आने वाले हैं। मैं जानता हूँ कि पिछले कई दिनों से मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं था, कुछ आपको इंटरेस्टिंग जो ब्लॉक्स हैं वो देखने को नहीं मिल रहे थे, पर हाँ अब इसके बाद आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। आने वाले दिनों में ट्रेवल से रिलेटेड जो हमारे ब्लॉग्स हैं, वो उनका पूरा एक पैरामीटर बना हुआ है, कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या करना है, बहुत से एडवेंचर का प्लान मैंने बनाया हुआ है।
तो आई होप कि आप लोगों को वो ब्लॉग्स जो बनेंगे वो पसंद आएंगे, और कई दिनों से जब मैं एक्टिव नहीं था तो भी आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से पार्ट्स अच्छे लगे या फिर आपको क्या क्या इसमें पसंद आया, और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आगे इतने तबाही ब्लॉग्स आने वाले हैं तो उसके लिए चैनल से बिल्कुल जुड़े रहिए। धन्यवाद।